सच्चिदानंद भगवान की सनातन धर्म की एक वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक सत्य का वर्णन करके ध्यान का प्रयोग करेंगे यदि खाने में सुख अनुभव हो रहा हो क्योंकि सुख चाहिए कौन है जो लगातार खा सकता है दूसरा इसी को फिर सोचें आनंद जीवन का गोल है लक्ष्य है सदा हम आनंद में ही रहना चाहते हैं आनंद से हम दुखी नहीं होते आनंद से उकताहट नहीं होती आनंद को हम कभी नहीं छोड़ते पर खाना छोड़ देते इसका मतलब क्या है कि खाना आनंद नहीं है यदि खाना आनंद होता तो हम खाना न बंद करते कोई काम करना आनंद नहीं है नहीं काम करना बंद न करते हम खाना उतनी देर तक खाते हैं जितनी देर खाने में आनंद मिलता है यहाँ तक ध्यान हम कितनी देर करेंगे जितनी देर ध्यान में आनंद मिलेगा यदि ध्यान में आनंद नहीं मिलेगा तो ध्यान छोड़ देंगे आनंद सदा चाहिए खाना सदा नहीं चाहिए आनंद सदा चाहिए सुनना और बोलना सदा नहीं चाहिए कभी सुनने की इच्छा है कभी नहीं है दूसरा जब हम कीर्तन करते हैं जाप करते हैं तो आप कीर्तन और जाप कभी बंद तो न करेंगे ऐसा दिल तो नहीं करेगा बंद करो क्यों क्योंकि कीर्तन भी आनंद नहीं है कीर्तन में भी आनंद मिलता है पर थोड़ी देर खाने में आनंद मिलता है थोड़ी देर कुछ करने में आनंद मिलता है थोड़ी देर इसलिए सब कुछ थोड़ी थोड़ी देर आनंद सदा आनंद सदा चाहिए जागेंगे आनंद से और जब जागना अच्छा न लगेगा तो सो जाएंगे आनंद के लिए आनंद से हमारा मुख नहीं मुड़ता क्रियाओं से मुड़ जाता है तो पहली बात तो ये ध्यान रखें और दूसरी सावधानी है कि जितनी देर आनंद रहे उतनी देर करो नहीं उसे छोड़ दो जिसके करने में आनंद है उसके छोड़ने में भी आनंद है अभी तो आप लोग समझते हो जीने में आनंद है आप जरा ध्यान दें जैसे जीने में आनंद है ऐसे ही मरने में भी आनंद है तभी किसी संत ने कहा जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद कभी जीना सुखद है कभी कभी जीना बुरा लगता है तो आत्महत्या कर लेते उन्हें लगता है प्राण निकल जाएंगे तो चैन मिल जाएगी कभी कभी प्राणों के रहने से बेचैनी है ये निकल जाए तो बस दुख गया चैन मिलेगी नींद आ जाए तो चैन मिलेगी मन खो जाए तो चैन मिलेगी मन नशे में आ जाए तो चैन मिलेगी तो चैन हमारी जीवन की चैन जीवन का लक्ष्य है चैन जीवन का गोल है हम आनंद चाहते हैं अब उस आनंद के लिए एक विधि आज शुरू करेंगे लगातार जरूरी नहीं पर कुछ देर सच्चे मन से करेंगे क्योंकि जब सच्चे मन से कुछ करते हैं तो वहां सुख मिलता है कभी कभी जब वो ज्यादा हो जाएगा वहां से मन हट जाता है कोई चीज ऐसी नहीं जिससे मन हटता ना हो चाहे साधु हो चाहे चोर हो नींद से भी मन हट जाता है जगने से भी मन हट जाता है कोई चीज दुनिया की नहीं जिससे मन ना हटता हो रजोगुणी आदमी चौबीसों घंटे रजोगुणी नहीं रहता तमोगुणी व्यक्ति चौबीसों घंटे तमोगुणी नहीं रहता ये सोचना कि इसी का आनंद लेंगे यही मूर्खता है आनंद लेंगे इसी का नहीं लेंगे इसके छोड़ने का भी लेंगे शादी का ही नहीं तलाक का भी लेंगे मिलने का ही नहीं बिछुड़ने का भी लेंगे जीने का ही नहीं मरने का भी आनंद लेंगे अभी क्या है आप चुनाव करते हैं कि हम तो हम जीने का ही आनंद लेंगे मरने का नहीं जागने का आनंद लेंगे सोने का नहीं गीता क्या कहती है न द्वेष्टि सम प्रवृत्ता न अनिवृत्ता कांक्षति ज्ञानी कौन है जो किसी गुण की या किसी वृत्ति की प्रवृत्ति की न इच्छा करता है और न निवृत्ति की इच्छा करता है चुनाव ख़त्म कर देता है हम चुनाव करते हैं जीना चाहते हैं तो मरने से डरते रहते हैं जगना चाहते हैं तो सोने से डरते रहते करना चाहते हैं तो विश्राम से डरते रहते विश्राम चाहते हैं तो करने से डरने लगते हैं ये चुनाव छोड़ दो जो कुछ होगा हम आनंद में रहेंगे करेंगे आनंद से विश्राम करेंगे आनंद से सुनेंगे आनंद से सोएंगे आनंद से जागेंगे आनंद से जिएंगे आनंद से और <laughs> बस वही खतरनाक है मरेंगे नहीं आनंद से यह संसार आनंद से हुआ है आनंद में स्थित है आनंद में ही लय हो जाता है उद्भव स्थिति, संघार तीनों ही सुखद हैं पर मनुष्य की बुद्धि ने ये अज्ञान बस कल्पना की है कि ये नहीं होना चाहिए शरीर मिलता है बढ़ता है बूढ़ा होता है छूट जाता है ये छूटना कोई मेरा नियम थोड़ा है प्रकृति ने आनंद समझ के ही शरीर छोड़ने की प्रक्रिया बनाई आप कोई ऐसी कार में बैठो व्यवस्था कर दूंगा आपके कार में बैठने की लेकिन शर्त ये होगी कि वो कार खड़ी कहीं नहीं होगी आप बैठोगे क्योंकि कार में बैठते कहीं जाकर उतरना या रुकना पहले ही ख्याल में है कि वहां रुकेंगे नहीं बैठोगे क्यों तो आज अभी जब हम ध्यान करेंगे पांच सात मिनट क्योंकि ये पहले ही बता दिया कि लगातार कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा तो तुरंत बदल दे यदि एक स्थिति में बैठे हो बहुत आनंद है बैठे रहो जब वो बैठना बुरा लगने लग जाए तो चेंज कर दो हम आनंद के लिए हैं न कि आसन का आसन लक्ष्य नहीं है क्रिया लक्ष्य नहीं है लक्ष्य है आनंद तो हम आनंद के लिए सब कुछ छोड़ेंगे आनंद के लिए सब कुछ पकड़ेंगे और धीरे धीरे पकड़ने छोड़ने से रहित आनंद अनकंडीशनल अनकंडीशनल ब्लिस कोई शर्त नहीं आनंद के लिए जैसे भी है ठीक है तो अभी हम श्वास जब लेंगे श्वास लेने की प्रक्रिया समझाना है जैसे समझो ये है श्वास ये श्वास है तो ये ऐसे और इसी को अब इसको जरा दूसरे ढंग से लेंगे ये श्वास है ऐसे समझो ये ये श्वास है गले से गुजर रही है नाक से गुजर रही है कहीं तो गुजर रही है तो ऐसे और दूसरा है hmm. अब ये श्वास धीरे धीरे भी गुजर सकती है एकाग्रता से प्रेम से होश से श्वास गुजरे और मैं एक एक क्षण आनंद लूँ मेरे जीवन में भी बहुत गंदी आते हैं विशेष करके मैं जल्दी खाता पढ़ा है सब कुछ पढ़ लिया कि धीरे खाना चाहिए चबा के खाना चाहिए आ, और भी एक पढ़ रखा है कि सॉलिड को सॉलिड को पीना चाहिए ड्रिंक ठोस को पीना चाहिए और पेय को लिक्विड को खाना चाहिए दूध खाना चाहिए पानी खाना चाहिए और रोटी पीना चाहिए पड़ा है पर मन नहीं मानता ज़रा सा अच्छा लगा जल्दी अंदर चली जाती है फिसल जाती है उसको हम देर तक चबा चबा के, चबा चबा के चबा चबा के चबा चबा के खाएं एक ग्रास को मिनट तक ऐसे धीरे धीरे चबा जाए पिए लिक्विड कर ले ध्यान हो गया तो श्वास भी हम ऐसे लेते हैं जैसे कोई भगदड़ मची है कोई मारपीट हो रही है चली गई जल्दी ऐसे नहीं किए कि एक श्वास गुजर रही है और मैं होश से श्वास का आनंद ले रहा हूं श्वास लेने का खाने का खाने का आनंद ही तो लेते हो पर वो इतनी जल्दी ही दो दांत मारे चली गई गले में आई और गई रुकती नहीं कि बड़े धीरे धीरे कैसे उसे पिए तो इस तरह से आज के ध्यान में श्वास का प्रयोग होगा आंख बंद कर आंख बंद करें और शरीर के भीतर जाग जाएं पहले जागें शरीर के भीतर और ख्याल करें श्वास चलती भी है कि रुकी है श्वास चलती भी है कि रुकी है और चलती है तो कहाँ से खींचती है कहाँ जाती है ये कौन सा सिस्टम है ज़रा जागें डॉक्टरों के हिसाब से नहीं पढ़ें आप अंदर से अनुभव करें कि श्वास कैसे आती है कैसे लौटती है कैसे खींचती है उस सिस्टम को समझें जैसे कोई खाने में स्वाद को ढूंढना हो ये स्वाद कहाँ आता है जबान के किस भाग में आता है निगलने में कैसा लगता है ऐसे ही श्वास का आनंद लीजिए जब श्वास शुरू होवे कई बार जैसे झरना निकलता है पहाड़ों से पानी निकलता है कहाँ छिपा रहता है कैसे निकलता है कैसे सूखता है तो अब आप अंदर होश में रहकर जैसे शरीर के किसी भाग से श्वास पैदा होती है और हम उसे ले रहे हैं ले रहे हैं ले रहे हैं और धीरे धीरे उसे छोड़ रहे छोड़ रहे छोड़ रहे लीजिए श्वास को एकदम नहीं जल्दी नहीं लीजिए तीव्रता से नहीं लीजिए धीरे धीरे लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए जो व्यक्ति धीरे धीरे श्वास छोड़ेगा धीरे धीरे श्वास लेगा उसका काम क्रोध लोभ भय चिंता टेंशन सब खत्म हो जाएंगे बड़े स्वाद से रोटी का स्वाद तो चलो लिया है थोड़ा बहुत अन्य कर्मों के स्वाद लिए हैं श्वास लेने का भी एक टेस्ट एक स्वाद है एक आनंद है श्वास लेने का आनंद श्वास छोड़ने का आनंद बहुत बड़ी साधना है और इसके लिए आसन का भी बंधन है पर सदा नहीं बैठे बैठे थक जाए तो लेटिए लेटे लेटे थक जाए तो बैठिए बैठे थक जाए खड़े हो जाइए पैर समेट लीजिए फैला लीजिए पर श्वास का आनंद चूंकि श्वास तो लेना ही है छोड़ना ही है खाना तो बंद भी हो जाता है पीना कुछ देर का लंबा गैप होता है श्वास तो लेना और छोड़ना लेना और छोड़ना ये काम बंद ही नहीं होता जन्म में शुरू होता है और मृत्यु में बंद होता है ये जीवन भर काम चलता है और जीवन भर आनंद भी चल सकता है आप होश से एकाग्रता से प्रसन्नता से श्वास लीजिए और छोड़िए लीजिए का मतलब नहीं लेते रहिए लेते रहिए लेते रहिए लेते रहिए छोड़ते रहिए छोड़ते रहिए छोड़ते रहिए छोड़ते रहिए एक एक चावल एक एक हिस्सा श्वास चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही और मैं आनंद में हूँ श्वास के चलने का साक्षी श्वास के चलने का विटनेस गवाही आनंद का भी गवाही होश का भी गवाही श्वास का ही नहीं होश का भी जब श्वास आई तब तो मैं होश में था मैं सावधान था श्वास को अचानक नहीं आने दिया श्वास को अचानक एक्सीडेंटली श्वास ना आए अभी श्वास एक्सीडेंटली अचानक आ जाती है अचानक चली जाती है कभी मेरी राय से साक्षी रहते होश से नहीं आती अब मैं होश से श्वास आने दूंगा अचानक नहीं दुर्घटना की तरह नहीं एक्सीडेंटली श्वास आवे और जावे नहीं बड़े होश से श्वास आवे किसी किसी को मूर्छा आती है उसको लोग दौड़ा बोलते हैं मूर्छा दौड़ा अचानक आता तुलना में नींद अचानक नहीं आती मूर्छा दौड़ा अचानक नींद थोड़ा ध्यान में जरूरत बिस्तरा लगा के लेट कर आती है पर कभी कभी गाड़ी चलाते चलाते अचानक आ जाती है श्वास अचानक श्वास लेना बंद कर दो धोखे में श्वास न लो एक्सीडेंटली श्वास न लो श्वास आप होश से लो और स्पीड भी एक्सीडेंटली बढ़ न जाए श्वास की गति बढ़ने ना पाए श्वास की गति एकदम तेज न हो अचानक न लेना है न अचानक गति को तेज करना है एक चीज एक ही साधे सब है सब साधे सब जाए जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए बस एक ही साध लो वो है श्वास बहुत अच्छे बड़े प्रेम से अब आप आनंद चाहते हो तो प्रेम से श्वास लो खुशी से श्वास लो आप जो आदमी खुशी से श्वास नहीं ले सकता और क्या करेगा इससे ज़्यादा अभाग्य दुर्भाग्य क्या है कि हम श्वासें भी प्रेम से नहीं लेते एक तरफ एक एक श्वास को तरसते हैं मृत्यु का समय आएगा तो एक दो श्वासें बड़ी मुश्किल की हैं तो भी हम बड़े प्रेम से श्वास नहीं लेते रुपया गिनने का आनंद जानते हैं पढ़ने का जानते हैं किसी के कुछ पद प्रतिष्ठा के पाने का जानते हैं श्वास लेने का आनंद ही भूल गए आप श्वास लेने का आनंद बड़े प्यार से धीरे धीरे श्वास आ रही प्यार से धीरे धीरे श्वास जा रही बहुत स्लो स्लो ब्रीदिंग स्लो ब्रीदिंग धीमी स्वाद स्लोली स्लोली स्लो ब्रीदिंग धीमी श्वास धीमी 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 श्वास प्रेम से प्रसन्नता से जैसे श्वास नहीं ले रहे आनंद ही ले रहे आनंद पी रहे आनंद वह रहा है ये श्वास एक नदी है श्वास ये वायु की नदी है ये वायु की नदी ये श्वास की नदी ये आनंद की नदी ये प्रेम की नदी भगवान ने चलाई है चल रही है अब मेरे शरीर की नस नस में खून का संचार रक्त संचार रक्त भी दौड़ रहा है और वो भी मैं बड़े आनंद से दौड़ने दूंगा, कोई टेंशन नहीं कोई दुख नहीं कोई चिंता नहीं और फिर तुम एक आनंद में लगे हो तुम आनंद में बिजी हो और टेंशन कैसे आएगी जिनका फ़ोन बिजी है दूसरे गंदे संदे फ़ोन कैसे आएंगे और बुरे समाचार बुरी खबरें बुरे मैसेज तब आए जब मेरा फ़ोन खाली हो मैं तो श्वास में व्यस्त हूँ मैं शांत हूँ मैं आनंद में हूँ मुझे कहीं से आनंद नहीं चाहिए मैं आनंद में श्वासें ले रहा हूँ आनंद से श्वासें छोड़ रहा हूँ ये तो बहुत बड़ी साधना है स्वाभाविक साधना है परमात्मा ने श्वास मेरे साथ भेज दिए सुमिरन परमात्मा ने मंत्र दे के भेजा है परमात्मा ने श्वास दे के मंत्र दे के भेजा है सबकी गठरी लाल है कोई नहीं कंगाल परमात्मा ने गांठ में धन बांध के भेजा आनंद का खजाना भेजा की श्वास श्वास में आनंद लेते रहो आनंद से श्वास लो तुम्हें आनंद से रोटी खाने की चिंता छोड़ो आनंद से और काम बाद में करना श्वास लेना तो सीखो आनंद से जो आदमी श्वास आनंद से ले सकता है वो आनंद से भोजन भी कर सकता है वो आनंद से बात सुन सकता है वो आनंद से बात बोल सकता है वो आनंद से काम कर सकता है शुरुआत आश्वास से बहुत अच्छे मन जिनका चंचल है वो प्रेम से श्वास भी नहीं लेते आप कहेंगे लेते हैं नहीं वो तो चलती है तुम कहां लेते हो वो तो श्वास चलती है नहीं तो चिंता में तो श्वास भी बंद हो गई होती यदि एक्सीडेंटली मौत होती तो कितने बार रोज मर जाते लगभग मर ही जाते हो कहाँ जिंदा हो कहाँ आनंद में हो आनंद को जीवन बोलते हैं परम आनंद को अमृत की प्राप्ति बोलते हैं अमृत प्राप्ति आनंद की प्राप्ति हम दुखी जीते हैं दुखी प्रसन्नता से श्वास लीजिए धीरे लीजिए प्रसन्नता से लीजिए बहुत अच्छे ये प्रसन्नता जैसी चीज़ भी आप फ्री नहीं लेते पैसों से खरीदते हो खेल कूद के खरीदते हो रुपया फूंक करके घर फूंक तमाशा जो देखे आप घर को आग लगा के आनंद लेते हो रुपये में आग लगाते हो तमाम रुपया फूंक फूंक कर आनंद लेते हो हम फ्री कहते हैं फ्री मुफ्त मुस्कराते हुए श्वास लो मुस्कराते हुए श्वास छोड़ो और जितनी धीमी जितनी प्यार से जितनी एकाग्रता से श्वास ले सको पांच मिनट कई बार नए नए व्यक्ति को श्वास लेना भी नहीं आता रोज श्वास लेते हैं पर लेना नहीं सीखा कभी, कभी कभी कई काम करने वालों को भी मैं कहता हूँ इतने दिन हो गए काम करते इसमें ट्रेंड नहीं हुए श्वास लेने में ट्रेंड हो जाओ मृत्यु गई दुख गया चिंता गई टेंशन गई समाधि ही समाधि है धीरे धीरे श्वास गुजरती जा रही है श्वास आती जा रही है तुम होश में हो तुम शरीर के किसी भाग में अंदर जाग रहे हो तुम एक गेटकीपर हो एक चौकीदार हो श्वास रूपी पाहुना मेहमान तुम्हारे घर आ रहा है जा रहा है और तुम चौकीदार हो मेरे गुरुदेव कहते थे ज्ञान ध्यान के कर ले आठ पहर उस यार की भाई रे सतगुरु हैं रखवरिया कैसे घुसे महलिया में चोर इस महल में चोर कैसे कोई घुसेगा जब मैं जाग रहा हूँ श्वास को आने दूंगा श्वास को जाने दूंगा और फालतू की कोई चीज आएगी ही नहीं श्वास आ रही श्वास जा रही जिनको वैसे तो धीमी श्वास सर्वोत्तम श्वास है इससे हजारों तरह के रोग जाते हैं चिंता जाती है टेंशन जाती पर यदि धीमी श्वास लेने की आदत नहीं है या सावधानी नहीं रख पाते तो फिर श्वास लंबी लेना चाहिए थोड़ा जोर से लेना चाहिए अब थोड़ा ज़ोर से श्वास लीजिए जोर से, से छोड़िए लंबी करिए फोर्स से लीजिए फोर्स से छोड़िए बहुत अच्छे पेट से लीजिए पेट दबता जाए दबता जाए श्वास सारी निकल जाए सारी श्वास पेट दब गया दबता जा रहा है श्वास निकलती जा रही जैसे रबड़ का हार्न पहले बजाते थे पेट दबता जा रहा श्वास निकलती जा रही और फिर श्वास वापस आती है फिर पेट दबता जाता है श्वास निकलती जाती है और दबता जाता है श्वास निकलती जाती है पेट पूरा दब जाए श्वास सारी निकल जाए पेट पूरा दबे श्वास निकल जाए फिर श्वास वापस फिर श्वास बाहर फिर श्वास वापस पेट से श्वास को दबा दबा के निकाल दीजिए पेट दबता जाए श्वास निकलती जाए पेट ढीला हो गया श्वास वापस आ गई पेट दब गया श्वास गई पेट उभर आया श्वास वापस आ गई बहुत अच्छे पेट सिकुड़ गया श्वास बाहर पेट फैल गया श्वास अंदर पेट दब गया श्वास बाहर हो गई पेट फैल गया फूल गया ढीला हो गया श्वास वापस आ गई पेट कड़ा हो गया दब गया सिकुड़ गया श्वास बाहर गई करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें केवल श्वास से ध्यान केवल स्वास्थ्य विधि बदल दी पेट दबता जाता है और दबता और सिकुड़ गया जितना अधिक पेट सिकुड़ जाए श्वास बाहर पेट अधिक से अधिक सिकुड़े श्वास बाहर जाए और पेट ढीला हो जाए रिलैक्स हो जाए फैल जाए श्वास अंदर पेट फूलता है पेट सिकुड़ता है पेट फूलता है पेट सिकुड़ता है पेट फूलता है पेट सिकुड़ता है बस श्वास लेते रहें श्वास छोड़ते रहें श्वास लेते रहें श्वास छोड़ते रहें बहुत अच्छे तीन मिनट तक बस पेट फूले वो पेट सिकुड़े पेट फूले पेट सिकुड़े पेट फूलता जाए श्वास वापस पेट दबता जाए सिकुड़ता जाए श्वास बाहर बहुत अच्छे आठ तरह के प्राणायाम हैं श्वास लेने की तो बीसियों विधियाँ भी हैं पर आठ तरह का तो प्राणायाम है शीतकार शीतली उज्जाई अनुलोम विलोम भर्षिका सूर्य भेदी शीतकारी बहुत अच्छे हर प्राणायाम के बाद थोड़ा सा विश्राम अब ये पेट वाला करा आधा मिनट विश्राम करिए शांत रहिए आनंद लीजिए और इसके बाद धीरे धीरे लंबी लीजिए लेकिन फेफड़ों को छाती को हवा से भरिए अब छाती फूलेगी श्वास भरिए और फिर श्वास छोड़िए छाती फैल जाए श्वास ले लीजिए छाती सिकुड़ जाए श्वास बाहर छाती सिकुड़े श्वास बाहर छाती फैले श्वास अंदर फेफड़े फेफड़ों से श्वास लीजिए हृदय से फेफड़ों से छाती से श्वास लीजिए श्वास लीजिए और छोड़िए अब पेट नहीं छाती पेट का काम खत्म छाती में श्वास लीजिए छाती से छोड़िए फेफड़ों से श्वास लीजिए फेफड़ों से छोड़िए छाती फैले श्वास आ गई छाती सिकुड़े श्वास निकल गई आंख बंद रखिए बहुत अच्छे और थोड़ा लंबी लीजिए धीरे धीरे लीजिए धीरे धीरे लीजिए छाती फैलती जाए मिलिट्री में भर्ती करने वालों का छाती देखी जाती कितनी फैलती है कितनी सिकुड़ती है आपकी भी हाँ समझो आप विजय के लिए यात्रा कर रहे हैं आप हवा से कितनी छाती फैला सकते हैं कितनी सिकोड़ सकते हैं कितनी फैला सकते हैं कितनी सिकोड़ सकते हैं आंख बंद रखिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे छाती में श्वास भरिए छाती से ही निकालिए और अब नाक के छेद से श्वास को सिर पर ले जाइए सिर पर श्वास ले जाइए फिर निकालिए फिर सिर पर ले जाइए निकालिए पेट की तरफ कोई ध्यान नहीं सारा ध्यान नाक के छेद से सिर पर श्वास ले जाएं सिर को हवा से भर दें फिर खाली करें फिर सिर को हवा से भर दें फिर खाली करें सिर को हवा से भर दें जो आदमी सिर को जितना ही हवा से भरेगा उसका मन साफ हो जाएगा क्लीन हो जाएगा मस्तिष्क का क्लीन होना साफ़ होना बहुत ज़रूरी सिर पर श्वास भरिए ध्यान को सिर पर रखिए पूरा ध्यान टॉप सेंटर पर गले के ऊपर कान पर आंख पर नाक पर मस्तक पर सिर पर पूरा ध्यान सर के ऊपर सिर के भाग में श्वास भरिए श्वास भरिए रोकिए और छोड़ दीजिए श्वास को सिर पर भरिए रोकिए और छोड़ दीजिए बहुत अच्छे सिर को हवा से ऐसे भरिए जैसे कोई गुब्बारे को भरता है पेट भर लिया छाती भर ली अब सिर की बारी है सिर को हवा से भरिए अभी प्रैक्टिस नहीं है धीरे धीरे हो जाएगी श्वास को नाक के छेद से सिर पर ले जाइए और रोकिए, फिर छोड़िए फिर सिर पर ले जाइए रोकिए, फिर छोड़िए धीरे धीरे सिर को हवा से भरिए थोड़ी देर इस गुब्बारे में हवा रहने दीजिए फिर छोड़ दीजिए ध्यान को आँखों के पीछे सिर में दशम द्वार में सहस्रार में टॉप सेंटर में जो जितना ही हवा सर पर भर सकता है उसका मन बुद्धि बिल्कुल साफ हो जाएंगे जिस घर में हवा नहीं जाती आती वो हवा गंदा हो वो मकान गंदा हो जाता है इसलिए सिर पर हवा जावे फिर वापस जावे फिर सिर पर हवा जावे लगातार करते रहें कान में भी आँख में भी सिर में भी गर्दन के ऊपर पूरी चमड़ी में गाल में होठ में सिर पर सिर के पिछले भाग में सिर के पिछले भाग में ऊपरी भाग में सब में हवा जावे भरिए हवा और ध्यान को वहीं रखिए बंद आँखों देखते रहिए हवा भरिए रोकिए छोड़िए हवा भरिए रोकिए छोड़िए और भीतर आँख खोलिए शर के भीतर देखिए बहुत अच्छे और पाँच मिनट के लिए धीरे धीरे ये काम करते हुए सिर पर और हर बार एक पाँच सेकंड को जंप जैसे आकाश में चले गए सिर पर रहिए और शून्य में चले जाइए सिर पर रहिए और स्काई में चले जाइए सिर पर रहिए और स्पेस पर जाइए खाली पन में तुम्हारा सिर गेंद की तरह है भीतर भी स्पेस है बाहर भी है घड़े के भीतर घड़े के बाहर स्पेस होता है तुम्हारे सिर के भीतर भी स्पेस है खाली जगह है शून्य है और बाहर भी है भीतर भी आकाश बाहर भी आकाश अंतराकाश बाह्याकाश श्वास भरिए आकाश का ख्याल करिए भीतर आकाश बाहर आकाश और इसी में कभी चंद्रमा सूरज तारे होंगे और कभी जहाँ न चंद्रमा है न सूर्य है न तारे हैं सिर्फ आकाश है सूर्य चंद्रमा तारे और कभी न सूर्य न चंद्रमा न तारे केवल आकाश ध्यान करिए आकाशी धारणा आकाश में चित्त टिकाइए श्वास भरिए रोकिए और छोड़िए और आकाश का लगातार स्मरण करिए बहुत अच्छे आकाश ही आकाश आकाश ही आकाश स्काय 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 खालीपन स्पेस 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 भूताकाश अंतराकाश चित्ताकाश और चिदाकाश भूताकाश अंतराकाश बाह्याकाश चित्ताकाश और चिदाकाश आकाश 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 में सब कुछ है और कुछ आकाश ऐसा है जिसमें सिर्फ़ आकाश है और कुछ भी नहीं है आकाश में सारा कुछ होता है सारी दुनिया आकाश में है पर बहुत आकाश ऐसा है जिसमें दुनिया नाम की कोई चीज़ नहीं सिर्फ़ स्पेस है सिर्फ़ आकाश है बहुत अच्छे बहुत अच्छे पूरा ध्यान आकाश पर सहस्रार पर आज्ञा चक्र पर कानों पर आँखों पर नाक पर रसना पर और सिर के बाहर सिर के भीतर सिर के भीतर सिर के, के बाहर बहुत अच्छे काम करते रहें श्वास भरते रहें रोकते रहें खाली नहीं बैठें थोड़ा मेहनत करें जिनका मन नहीं लगता देर तक श्वास रोकें मन लग जाएगा श्वास भरें छोड़ें नहीं देर तक रोके रहें देर तक रोके रहें अपने आप निद्रा चली जाएगी आलस से चला जाएगा एकाग्रता बढ़ जाएगी प्राण में बड़ी शक्ति है प्राण को खींचिए रोकिए मृत्यु के समय पर भी भगवान ने कहा कि ध्रुव मध्य में अपने प्राणों को खींचकर रोकें रोके मध्य और मध्य सम्यक अच्छी तरह से ध्रुव मध्य में प्राणों को खींचकर रोकना चाहिए पहले योगी लोग प्राणायाम के द्वारा ही शरीर का त्याग करते थे अभी आप श्वास को भरो ध्यान को प्राण के साथ ले जाओ श्वास लंबी भरो श्वास को रोको ध्यान भी वहीं पर रखो प्राण के साथ बहुत अच्छे श्वास को भरिए रोकिए छोड़िए देर तक रोकिए मन को वहीं टिकाइए प्राण रोक करके मन को रुकाइए फिर प्राण लीजिए श्वास भरिए श्वास रोकिए फिर जरूरत पर छोड़िए फिर लंबी लीजिए बस एक काम करिए पांच मिनट इसके बाद छुट्टी बहुत अच्छे बहुत अच्छे प्राण को भरिए रोकिए छोड़िए प्राण को भरिए श्वास को जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं आप सिर पर हवा भरिए ध्यान वहीं केंद्रित रखिए देर तक रोकिए फिर छोड़िए इससे निद्रा चली जाएगी आलस से जाएगा तमोगुण खत्म हो जाएगा मन में आह्लाद आ जाएगा शरीर की पीड़ा निवृत्त तो हो जाएगी ध्यान को सिर पर केंद्रित करिए सिर के भीतर अपनी चेतना को ले जाइए कभी सिर के भीतर कभी सिर के बाहर जैसे घड़े के अंदर पोलाई घड़े के बाहर भी ऐसे ये सर घड़े की तरह है भीतर भी खाली बाहर भी खाली और कभी कभी अचानक चंद्रमा की रोशनी तारों की जलजलाहट हाँ, झिलमिलाहट हाँ, कभी सूर्य की लाइट सनलाइट मूनलाइट स्टारलाइट स्टार लाइट कभी कभी केवल आकाश न वहाँ सूर्य है न चंद्रमा न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम ने माँ विद्युतो भांति कुतो यमग्नि कोई वहाँ नहीं है और अंत में एक सेकंड तुम्हारी चेतना ही चेतना है चेतना तो है और कुछ है ही नहीं चेतना है न शर है न संसार है न आकाश है न जमीन है न पाताल है न कोई रोशनी तुम्हारी चेतना है प्योर कॉन्सियसनेस केवल चेतना केवल चैतन्य केवल चैतन्य बहुत अच्छे दो मिनट और अब उसी शून्य में रुक जाए उसी प्रकाश में उसी शून्य में उसी चंद्रमा में उसी तारे में उसी सूर्य में और उसी शून्य में सुन्न समाधि स्पेस, खालीपन 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 कुछ है ही नहीं खालीपन खालीपन उस खालीपन का आनंद लीजिए अभी तक दुनिया का लिया खालीपन का आनंद लीजिए और टिकिए और एक मिनट के बाद धीरे धीरे आराम से जैसा अच्छा लगे छुट्टी होगी बहुत अच्छे धीरे धीरे छोड़िए बहुत अच्छे कई लोगों का मन छोड़ने का नहीं करता बधाई के पात्र हैं एक एक घंटे एक आसन पर बैठना और पीड़ा रहित रहना ये पहली पहचान है कि आपका ध्यान लगा सुखानुभव हुआ समझो ध्यान लगा शून्यता अनुभव हुई समझो ध्यान लगा शरीर हल्का या भारी हुआ समझो ध्यान लगा छोड़ने का मन न हो समझो ध्यान लगा कोई चमत्कार प्रकाश रोशनी आकाश कुछ दिखाई पड़ा समझो ध्यान लगा मंत्र जाप में मन लगा समझो ध्यान लगा ये सब ध्यान के ही हिस्से हैं बधाई के पात्रों अब आप छोड़ दीजिए आज का ध्यान किसको अच्छा लगा है वो हाथ उठाएं हाँ सब लोगों का लग जाता है रोज ठीक है तो फिर अब कोई शिकायत नहीं अब रह गया इतने ध्यान सीखे हैं इनमें से कैसिट लेकर एक दिन एक ध्यान का प्रयोग या चालीस दिन तक एक ध्यान का प्रयोग करें धीरे धीरे जो तुमको अनुकूल पड़ जाए उसका ध्यान 10-15 मिनट रोज कर लिया करो पहले करके देखो यहाँ तो अभी हमारे सामने किया फिर कैसेट के आधार पर करो और जब ये ध्यान लगने लग जाए एकांत में बैठ गए जैसे थोड़ी देर को लोग सो लेते हैं थोड़ी देर को एकांत में आराम करते हैं ऐसे दुनिया के काम काज करते हुए 10-15 मिनट को ध्यान में चले जाओ मेरे को ध्यान की इतनी सामर्थ्य थी कितना थका हूँ और काम करने का मन ना हो पढ़ने का ना हो पाँच मिनट आंखें बंद की ध्यान में गया ताज़ा हो जाता पुनः एनर्जी आ जाती तो इस तरह से काम करने वालों को पढ़ने वाले विद्यार्थियों को और थकान टेंशन वालों को ध्यान बड़ा अनुकूल रहता है अभी ये कार्यक्रम ध्यान का पूरा हो रहा है अब छुट्टी